समझकर यार बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस रहा है वो, बिकॉज आई फेल्ट इट्स नॉट ईजी एट ऑल टू स्टे इन दैट प्लेस, टू लिव देयर एंड टू बी विद सो मेनी अननोन पीपल फॉर सो लॉन्ग. अब वो एक्सटेंड भी हो चुका है आई थिंक है ना. जब मैं रहा वहाँ पे मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैं वहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए गया हूँ. तो कोई इंसान जो होता है वो इमोशन से ही गुजरता है हर बार. शी इज़ समवन हु इज़ वेरी इमोशनल, शी इज़ वो ऑनेस्ट है. जब आप ऑनेस्ट होते हैं ना आपके इमोशंस भर भर के आते हैं. मैं खुद जब परफॉर्म करता हूँ, जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं फेक नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे रिस्पॉन्स इतने ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि उस चीज़ को फील कर पाता हूँ मैं. वो शायद वही करती है वो, जब भी मेरे साथ काम कर, हम लोग ने साथ में काम किया है, तो वो जब भी किसी चीज़ को फील करती थी वो उसको रिस्पॉन्स इमीडिएटली आ रहा था, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग अबाउट अ पर्सन. यू आर नॉट फेकिंग इट, राइट? आई डोंट थिंक शी इज़ फेकिंग इट एट एनी पॉइंट इन अर लाइफ. वो आज भी टिके हुए हैं ना वहाँ पे, है कि नहीं? आई थिंक दैट्स वॉज द बिगेस्ट थिंग. वो आज भी टिकी हुई है, लोगों का प्यार उस पर सबसे ज़्यादा बरसता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इंसान सबसे रियल है वहाँ पे, आई थिंक इट इज़ सुंबुल. इट इज़ बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू ओवर देयर. सम पीपल आर सक्सीडिंग, सम पीपल आर नॉट सक्सीडिंग विद इट, एंड द पीपल हु आर सक्सीडिंग आर स्टिल देयर. पीपल हु हैव नॉट सक्सीडेड हैव लेफ्ट दैट शो, हैव बीन वोटेड आउट. तो गेम कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, कुछ गेम नहीं होता. आई एम नॉट गिविंग अ कम्प्लीटली कट्टर वाला आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि गेम कुछ नहीं होता, बस जो होता है वो होता है. अरे लव लैंग्वेज का क्या ही बताऊँ, लव लैंग्वेज हर दुनिया में बनते हैं भाई. टॉप 3 सुंबुल जीतेगी. दूसरा कंटेंडर जो मुझे लगता है वो अब्दू को जीतना चाहिए था, बिकॉज ही इज सच अ अमेजिंग पर्सन, बट स्टैन मुझे बहुत पसंद है. ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मैं इस चीज़ पे गौर ज़्यादा नहीं करता. इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरा काम अच्छा रहेगा ना तो वो प्यार अपने आप आएगा. और आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई फैंस, दे ऑल नो इट. जो प्यार मुझे मिल रहा है आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आई एम डूइंग ऑनेस्ट वर्क, और मैं वो करता रहूँगा. और जो आप प्यार बरसाते रहेंगे वो उस ऑनेस्टी का रिस्पॉन्स होगा बस. उसने देखो यार, जनरली टेलीविजन में इतना जल्दी मुश्किल होता है लोगों को अपनाना एक शो के कॉन्सेप्ट को. पर आई थिंक आई हैव कम फ्रॉम अ बैक स्टोरी, और वो बैक स्टोरी जो है वो ऐसी रही है कि हम दोनों के बीच, हम लोगों के बीच में ऐसा एक रिश्ता बन चुका है जो कि बहुत बड़ा है. सो आई थिंक दैट्स द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड ऑल द अप्रिसिएशन फॉर द वर्क दैट आई एम डूइंग. मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हार्डवर्क करता रहूँगा, और आप जो देखते रहेंगे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उस चीज़ पर प्यार बरसाते रहें. उसके अलावा वो आपके ऊपर है, मैं अपना काम करता रहूँगा बस.